अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ओशीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी KFC स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड सोया चाप की रेसिपी। बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त बनती है खाने में, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ये सोया चाप। ये सोया चाप आपको किसी भी डेयरी शॉप पर मिल जाएगी, इजीली मिल जाती है मार्केट में ये। अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसकी वीडियो पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर और मैंने इसको मैरिनेट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ये मसाले। एक छोटी चम्मच मैंने हल्दी ले लिया है, एक चम्मच मैंने मिर्च पाउडर, आधी चम्मच मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है, एक चम्मच ले लिया है मैंने धनिया पाउडर और नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये 2 टेबलस्पून मैंने दही दिया है। ये घर की बनी हुई दही है, आप कोई भी दही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सोया चाप लेकर उनमें इस तरह से कट लगा लेंगे। सारी सोया चाप्स को हम इस तरीके से कट लगाकर तैयार कर लेंगे ताकि उसमें मसाला जो भी हम मैरिनेट करेंगे उस टाइम पर सारा मसाला सारे चाप के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अब हम एक बोल लेकर सारी चाप को अच्छे से उसमें ऐड कर लेंगे। उसमें सारे मसाले जो हमने लिए थे वो सारे अच्छे से इसके अंदर ऐड कर लेंगे। दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो भी सूखे मसाले हमने लिए थे वो सभी इसमें ऐड कर देंगे। और अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाप में ताकि इसमें अच्छे से मसाला लग जाए। मसाला अब हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है चाप में, तो इसको हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे तक के लिए फ्रिज के अंदर। मैंने यहाँ पर एक बोल सोया चंक्स ले लिए, ये न्यूट्रेला सोया चंक्स हैं, तो इनको हम कूट लेंगे। आप खल्लड़ में इसको कूट सकते हैं और इसका हमें एक दरदरा पाउडर बनाना है, बारीक नहीं करना है इनको, इस तरीके से रखना है। तो अब मैं एक बोल लेकर उसमें आधी कटोरी में मैदा ऐड कर रही हूँ। इसका हमें एक स्मूथ बैटर बनाना है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको एक स्मूथ बैटर में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से मैं पानी डालकर स्पून की हेल्प पे इसको हम करते जाएंगे, एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैं इसमें और थोड़ा ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिली फ्लेक्स और काली मिर्च दरदरी कुटी हुई। ये मैंने 8 से 10 काली मिर्च ली हैं, उन्हें मैंने दरदरा कूट लिया है, वो मैंने ऐड कर दिया है। और एक छोटी चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिली फ्लेक्स और मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड करा है, ज़्यादा नहीं किया बट थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड किया है, 1/2 टीस्पून बस। अब मैं आप देख सकते हैं इसका स्मूथ बैटर बन चुका है। अब आधा घंटा हो चुका है, हमारे सोया चाप जो थे वो भी अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हम एक एक सोया चाप निकाल कर इस बैटर में इसको डिप करेंगे। इस तरह से हम इसमें डिप कर लेंगे। इसमें डिप करने के बाद में ये सोया चंक का जो पाउडर हमने बनाया था इसमें अच्छे से इसको चारों तरफ से अच्छे से इसको लगा लेंगे। देख सकते हैं हाथों से भी हम इसको दबा देंगे ताकि इसमें अच्छे से लग जाए। तो बस इसी तरह से हम अपनी सारी सोया चाप को अच्छे से तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं हमारी सारी सोया चाप हमारे अच्छे से रेडी हो गई है फ्राई करने के लिए। तो बस एक पैन में हमें ऑयल गर्म करना है अच्छे से,
ऑयल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, तो बस एक एक सोया चाप उसमें हम अच्छे से डीप फ्राई करने के लिए डालते जाएंगे और अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। जब तक इनका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता, अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, तब तक हमें इन्हें अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना बढ़िया हो गया है, कितना अच्छा दे दिख रहा है ऊपर से। अच्छे से ये सिक चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे अपनी प्लेट में, आप देख सकते हैं। तो बस इसी तरह से हम अपने सारे सोया चाप को अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। हमारे सोया चाप अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। इनकी अब करते हैं हम प्लेटिंग। तो आप देख सकते हैं इनको अब हम सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ में, टोमेटो केचप के साथ में, या किसी भी आप अपने मनपसंद सॉस के साथ में आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप भी इसको अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। एंड मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज़।